बिलासपुर जिला में भी एनएचएम चिकित्सकों ने मांगे पूरी न होने पर पेन टाउन स्ट्राइक की है और जब तक हरियाणा मणिपुर की तर्ज पर रेगुलर पॉलिसी न बनाई जाए तब तक ये स्ट्राइक जारी रखने की सरकार को चेतावनी दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चयनित कर्मचारियों व चिकित्सकों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा रेगुलर पॉलिसी न बनाने से खफा चिकित्सकों ने बुधवार को पेन डाउन स्ट्राइक कर अपनी नाराजगी जाहिर की। एनएचएम चिकित्सकों की माने तो पिछले दो दशकों से एनएचएम कर्मचारी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं और कोरोना महामारी के इस दौर में सैंपलिंग से लेकर वैक्सीनेशन व रिपोर्टिंग की फील्ड में एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी पूरी भूमिका अदा की है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार उनके लिए रेगुलर पे स्केल को लेकर कोई भी पॉलिसी नहीं बना रही। तो हमारी सरकार से यही डिमांड रहेगी कि हमारे लिए कोई रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए या रेगुलर पे स्केल दिया जाए जिससे हम एक अच्छे से काम कर सकें और हम कोविड के दौरान से जो हमारे एनएचएम के कर्मचारी हैं वो बहुत ही डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी सैंपलिंग ड्यूटी हो या वैक्सीनेशन में हो या डीसीसी में हो, मतलब हर जगह जो है हम एम्प्लॉइज़ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। धन्यवाद। इसमें तो एक चीज़ जो ऐसा नहीं है, जो स्टेट जो हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट ही देखती है। जो सेंटर से जब हमारे लोग बात की थी तो उन्होंने यही बोला है सेंटर से कि जो हेल्थ सब्जेक्ट है वो स्टेट का ही है। कब तक पेन डाउन जारी रहेगा? अभी जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक हम ये पेन डाउन स्ट्राइक रखेंगे और बाकी जो है जो हमारा स्टेट जो भी यूनियन है जो भी उस पर निर्णय लेगी आज शाम को वैसे ही हम आगे का जारी रखेंगे। हमारे एनएचएम में हमारे साथ बहुत सारे इस तरह के एम्प्लॉय हैं जो पिछले दो दशकों से ज़्यादा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस वक्त कोविड-19 में एनएचएम के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कोविड-19 सैम्पलिंग में, वैक्सीनेशन में, रिपोर्टिंग में, अपार्ट फ्रॉम जो हमारा रूटीन वर्क है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दो दशकों से भी ज़्यादा सेवा देने के बावजूद भी कोई भी स्थायी पॉलिसी रेगुलराइजेशन की या रेगुलर पे स्केल्स की अभी तक सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई है। बहुत बार आश्वासन दिए गए हैं, बहुत बार हमारा जो संगठन है, संघ है, वो सरकार से मिला है। जितने भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं सब ने एश्योरेंस दी हैं लेकिन पॉलिसी फॉर्मुलेशन या पॉलिसी कोई भी नहीं बनाई गई है। इसी हमने सरकार को 25 जनवरी तक एक हमने सरकार को कहा था कि आप हमारे लिए कोई रेगुलर पॉलिसी अनाउंस कीजिए और हमने वेल इन एडवांस सरकार को इन्फॉर्म किया था कि नहीं तो हम 2 फरवरी जो आज का दिन है हम पेन डाउन मूवमेंट करेंगे। उसी के तहत आज हम पेन डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज़ के लिए बाकी स्टेट्स में भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। हमारी एडजेसेंट स्टेट है हरियाणा है, इसके अलावा मणिपुर है, देयर अदर मैनी स्टेट्स ऑल्सो। और जो ये थोड़ा सा ये जो आर्गूमेंट रखा जाता है कि इससे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, तो इसी तरह से एक SSA प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था जिसमें देवर मल्टीपल डेजिग्नेशन टीचर्स थे, SDOs थे, तो उनको भी आगे जाके सरकार ने रेगुलर किया है। सो व्हेन यू हैव एन एग्जांपल वेयर यू हैव अदर स्टेट्स फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर एनएचएम एम्प्लॉयज, सेम कैन बी रेप्लिकेटेड हेयर। यही हमारी स्टेट से डिमांड है बिकॉज अगर कोई एम्प्लॉई आपका ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय मोर देन 2 decades से डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है तो सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज।